बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है, तो ममता बनर्जी को आने लगी है मुस्लिमों में से बदबू, इसीलिए उन्होंने घटा दी है उनकी संख्या। इसके बाद क्या बोल रहे हैं वहां के मुस्लिम, ये आज आपको दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। दरअसल टीएमसी ने मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम करती है, ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी को अब 2 बड़े नेता डरा रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। टीएमसी इस बार 294 में से 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 3 सीटें सहयोगी पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को दे दी गई है। इस बार की लिस्ट में कई हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। मसलन इस बार 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा इस लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी को इस बार मुस्लिम वोटों का गणित डरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक एक सीट के लिए खास रणनीति तैयार की है। इसी के तहत महिलाओं को तरजीह दी गई है, जबकि मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या घटा दी गई है। इसके अलावा 28 विधायकों के टिकट भी काट दिए गए हैं। सेलिब्रिटीज की संख्या भी सीमित कर दी गई है, करीब 10 सेलेब्स को टिकट दिया गया है। साल 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी को मुसलमानों ने दिल खोल कर वोट दिया था, इस बार भी उन्हें मुस्लिम वोटरों से उम्मीद है, लेकिन फिलहाल 2 नेताओं ने उनका खेल खराब कर दिया है। ये हैं फुरफुरा शरीफ दरगाह के प्रमुख पीरजादा सिद्दीकी और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। कहा जा रहा है कि सिद्दीकी की मुसलमानों के बीच जबरदस्त पकड़ है। इसके अलावा ओवैसी भी मुसलमानों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर बात 2011 में करी जाए तो टीएमसी ने मुस्लिम समुदाय से 28 कैंडिडेट उतारे थे। साल 2016 में यह संख्या बढ़कर 57 पर आ गई थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने सिर्फ 42 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। ममता को इस बात का डर है कि कहीं हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण ना हो जाए, लिहाजा उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवारों को कम कर हिंदू कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ाई है। पश्चिम बंगाल में 70% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 27% मुसलमान आबादी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ये सब कुछ कर रही है। लेकिन उनके इस फैसले के बाद आखिरकार मुस्लिम समाज क्या सोचने लगा है? जैसे ही मुस्लिमों की संख्या घट गई है, जैसे ही उन्होंने टिकट काट दिए गए इतने मुस्लिमों के, उसके बाद वो समाज क्या कुछ कह रहा है बंगाल में, आइए आपको दिखाते हैं। सहजाद सम्स लिखते हैं, ममता ने बड़ी गलती कर दी, उन्हें ही छोड़ दिया जिन्होंने उनकी सरकार बनाई थी। वो भूल गई हैं कि मुस्लिम उनका कितना फायदा करते हैं, पर उन्होंने इन्हें छोड़ दिया, अब बीजेपी चलेगी चाल। ईशान मलिक लिखते हैं, नंदीग्राम में 30% मुस्लिम वोट है जो ममता के लिए जाएगा, पर दीदी ये क्या किया, हमारे समाज का ही साथ छोड़ दिया, केवल 42 सीटें जिसने बंगाल को जिताया उसे छोड़ दिया। मुस्लिम इस बात से खफा है, इसलिए हम भी कहते हैं 2 मई ममता दीदी गई। सकीब अफरीदी लिखते हैं, हिंदू ममता को वोट नहीं देने वाला, और जो वोट देने वाला था उसके पेट पर ममता ने लात मार दी, अब पता चलेगा 2 मई में क्या होगा। तो आपने देखा आखिरकार उन्होंने अपनी क्या राय रखी, आप भी अपनी राय रखिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ। नमस्कार।